नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू की बर्फी। इस बर्फी को आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं या आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस बर्फी को झटपट से बना सकते हैं, क्योंकि यह बर्फी घर पर उपलब्ध सामग्री से ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं आलू की बर्फी। और इसके लिए मैंने ये लिए हैं 4 बॉयल आलू। ये 300 ग्राम आलू थे जिसको मैंने बॉयल करने के बाद गर्म ही गर्म अच्छे से मैश कर लिया था ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और मैश करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। और देख लेते हैं, हम लेंगे इसमें 1 कप शक्कर 200 ग्राम, आधा कप नारियल पाउडर 50 ग्राम, 1/4 कप मिल्क पाउडर 50 ग्राम, 1/3 कप मैंने देसी घी लिया है, ये 80 ml है, और मैंने आधा टीस्पून ली है इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई जिसे गर्म करने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी और घी को डालकर हम मेल्ट करेंगे। घी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे ये आलू का पेस्ट और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इस पेस्ट को हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। इन आलूओं को हम जितना लो फ्लेम पर सेकेंगे बर्फी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। जब हम इसको शुरुआत में सेकते हैं तो ये आलू घी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे जैसे ये सिकता जाएगा तो ये घी को रिलीज़ कर देगा। और जितना हम इसको लो फ्लेम पर सेकेंगे बर्फी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और घी को हमें इसमें अच्छा ही रखना है जिससे बर्फी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा और बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, आलू अच्छे से सिक चुका है। इसको मैंने लगभग 10 मिनट सेका है और घी रिलीज़ हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये मिल्क पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है। ये मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल पाउडर और इसे भी हम 5 से 7 मिनट के लिए आलू के साथ ही अच्छी तरह से सेकेंगे। इससे ये बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नारियल आलू का सारा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे बर्फी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। ये मैंने अच्छे से इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। ये मैंने 1 कप शक्कर ली है। आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप जैसा मीठा पसंद करें आप उसमें इतनी शक्कर ऐड कर सकते हैं। और अब हमें इसको शक्कर घुलने तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये 10 मिनट बाद देखिए शक्कर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है बर्फी जमने के लिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। चलिए बर्फी जमाने के लिए मैंने ये एक केक टिन लिया है जिसे मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। और अब मैं इसमें रखूँगी बटर पेपर और इसे भी अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये सूखा नारियल पाउडर और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये आलू का मिश्रण 5 मिनट के बाद। और ये देखिए, मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, एक जैसा कर लेंगे हम। आप चम्मच की सहायता से इसको एक जैसा कर लें। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको जमा दिया है। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने रखेंगे। चलिए, बर्फी हमारी ठंडी हो चुकी है, ऊपर से अच्छे से जम चुकी है। और अब हम इसको काटेंगे। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप अपने पसंद के किसी भी आकार पे इसको काट सकते हैं। देखिए, आपको काटने से ही बर्फी का टेक्स्चर समझ में आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया हमारी बर्फी जमकर तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से कट रही है। और अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी बर्फी जमकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी बर्फी हमारी जमकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। और ये लीजिए, खाने के लिए हमारी बर्फी तैयार है। और ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फी जमकर तैयार हुई है। और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है, टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।